हरे कृष्ण, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आज हम आपको बताएंगे कर्क राशि के बारे में कि कर्क राशि के जो जातक हैं उनका भाग्योदय कब होगा, कैसे होगा, उनके लिए शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, किस व्यापार में उनको लाभ मिलेगा, कौन राजनीति में जाएगा, कौन नौकरी के क्षेत्र में जाएगा, कौन अधिकारी बनेगा, कौन किसान के कृषि क्षेत्र में बड़ा कार्य करेगा, कौन इंडस्ट्रीज बनेगा, ये सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। कौन खिलाड़ी बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, कौन चिकित्सा के क्षेत्र में जाएगा, ये सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। किसका क्या आपको सावधानियां बरतनी है, आपके लिए शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आपको ज्योतिष संबंधित कोई भी जिज्ञासा है तो आप क्या करें कि अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान आप जरूर लिखें, और अगले कार्यक्रम में हम आपके प्रश्नों का उत्तर भी अलग से एक एपिसोड बना करके देंगे। जितने लोग उसमें प्रश्न पूछने वाले होंगे सभी के प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए कालखंड बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आपकी समस्त महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप होते हुए दिख रहा है और आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, और पदोन्नत के साथ स्थानांतरण का भी योग बन रहा है। मनचाही आपकी नौकरी और प्रगति, पदोन्नत से मन आपका खुश रहेगा। घर में नए मेहमान के आगमन से मन प्रसन्न रहेगा। घर में रोग और शत्रु जो है, जो घर में कुछ नया कार्य होगा और जो आपके पुराने रोग और शत्रु हैं सब परास्त होंगे। जब कोर्ट कचहरी में, न्यायालय में अगर कोई विवाद चल रहा होगा तो उसमें आपको विजयश्री मिलेगी, रुका हुआ धन मिलेगा। पाइपलाइन में जब कोई कार्य है तो आपका कार्य संपन्न होगा। दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा, माता का सुख मिलेगा और अपने मौलिकता के द्वारा धन अर्जित करेंगे। आप सलाह से, मीडिया से और अन्य क्षेत्र से धन अर्जित करने का आपको योग बन रहा है। छोटी छोटी बात को लेकर निगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है, निगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाना। निगेटिव चीजें आपको नुकसान पहुंचा सकती है। पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने में सफल रहेंगे। माता का से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है और पत्नी और माता के संबंधों में थोड़ा सा कटुता आपकी हो सकती है। चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं, उसमें संभल जाएगा, सुधर जाएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपके मन में चिंता रहेगी और संतान की प्रगति से थोड़ा सा मन आपका प्रफुल्लित रहेगा और संतान से वैचारिक मतभेद भी होने की संभावना बन रही है। आपके गुप्त शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कटुता आ सकती है। पत्नी की हेल्थ और वेल्थ को लेकर के आपके मन में टेंशन रहेगा, चिंता की स्थिति बनी रहेगी। तो आप थोड़ा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें। अचानक यात्रा से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। भाग्य से आपके सारे कार्य संपन्न होंगे। जो भी इधर नौकरी के लिए या व्यापार के लिए या इंडस्ट्री के लिए या किसी भी क्षेत्र में अगर एफर्ट करेंगे तो भाग्य आपके अनुकूल है, भाग्य आपका साथ रखेगा। पिता से थोड़ा वैचारिक मतभेद रहेगा। जिनके साथ नौकरी करते हैं, जिनके साथ व्यापार करते हैं, उनसे थोड़ी सी मन मुटाव होने की भी संभावना बन रही है। इनकम का जरिया बढ़ेगा, खर्च भी बढ़ेंगे, तो इस चीज का थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी आपको ये बरतनी है कि आप बहुत जल्दी इमोशंस में आके, सेंटिमेंट में आके कार्य करते हो तो सेंटिमेंटल नहीं होना है, बी प्रैक्टिकल, संतुलित व्यवहार करें, संतुलित आचरण करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको उपाय क्या करना है? उपाय में आपके क्या करना है कि भगवान शिव की आराधना करना है, सफेद वस्तु का दान करें, दूध से बनी मिठाई भी दान कर सकते हैं, भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, हेल्थ वेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। और आपके लिए शुभ अंक 4 है और शुभ रंग आपके लिए सफेद है। हरे कृष्ण।